कभी भी हिम्मत मत हारना। एक लड़का अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था। इसी परेशानी के कारण वो अपने घर वालों से दूर जाने का फैसला किया और अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे जंगल मिला। वो वहाँ काफ़ी देर तक अकेले बैठा रहा, बहुत कुछ सोचता रहा। परेशान मन लेके वो वहाँ उदास बैठा रहा और भगवान से बातें करने लगा। हे भगवान, मैं हार चुका हूँ अपनी इस ज़िंदगी से, या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब भगवान ने कहा, बेटा छोटी छोटी चीज़ों से परेशान क्यों होते हो? तुम इस जंगल में अकेले बैठे हो, एक काम करो, अपने आसपास के घास और बांस के पेड़ों को देखो। जब मैंने घास और बांस के बीज को लगाया था, तब मैंने दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल की और दोनों को ही बराबर पानी और प्रकाश दिया। देखते ही देखते घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने पूरी धरती को ही हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ आने लगी, लेकिन फिर भी बांस के बीज में कुछ भी विकास नहीं हुआ। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। भगवान ने आगे कहा, 5 साल बाद उस बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, पर घास की तुलना में ये बहुत छोटा और कमज़ोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद ही यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया और मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट भी ऊंचे बांस को संभाल सके। भगवान ने उसे फिर कहा, देखो मैं किसी भी जीव या अपने द्वारा रचना को उतनी ही चुनौती देता हूँ जितनी वो सह सके। क्या तुम जानते हो अभी जो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। तुम्हारा समय भी आने वाला है, तुम भी ऊपर उठोगे। बस अपनी ज़िंदगी से हार मत मानो। उस लड़के को भगवान की बातें समझ आ गईं और वापस अपने घर चला गया और दुगने उत्साह के साथ अपने जड़ों को मजबूत करके बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, जब भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ जाइए कि आपकी भी जड़ें मजबूत हो रही हैं, जिससे आप अपने आने वाले कल को और बेहतरीन बना सको। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी संघर्ष से पीछे हट के हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सही दिशा ही हमारी दशा को सही कर सकती है। धन्यवाद।